हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान। तो याद रखिए, 17 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 17वां चैप्टर कौन सा था? पर्यावरण रसायन के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं रसायन, रासायनिक वियोजन। याद रखिए, जितने भी चैप्टर खत्म कर चुके हैं वो जनरल साइंस के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। किसी तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक संकेत। आधुनिक रसायन शास्त्र में तथ्यों के संकेत किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किए गए? वर्जीलियस। वर्जीलियस के अनुसार तथ्य के संकेत को किसके द्वारा प्रकट करते हैं? किसी तथ्य के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम के प्रथम अक्षर द्वारा। किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तथ्यों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? तत्व या यौगिक का अणु सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित तथ्यों के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक के अणु में तथ्यों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। ठीक, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा व्यक्त परिवर्तन व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऊष्मा रासायनिक समीकरण। किस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। वह व्यतिक्रम जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा उचित संख्याओं द्वारा लिखा जाता है। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में अथवा अपने अवयवों में टूट जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। जब ऊष्मा की उपस्थिति में एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिक अथवा अपने अवयवों में टूट जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती? ऊष्मीय अपघटन। आगे बात करते हैं। जब विद्युत की उपस्थिति में एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवों में टूट जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। जब कोई यौगिक ताप दाब आदि में परिवर्तन करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में संगठित हो जाता है तथा परिवर्तन के कारण को हटा देने पर पुनः मूल यौगिक प्राप्त हो जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वियोजन। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र में क्या संबंध है? किसी पदार्थ के अणुसूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। ठीक है, अणु अपन मूलानुपाती सूत्र बराबर एन, यहाँ एन बराबर 1, 2, 3 लगाकर डॉट डॉट है। वे अभिक्रियाएँ अनंत तक। ठीक है, वे अभिक्रियाएँ जो सामान्य परिस्थितियों में अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में हो सकती हैं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ। वे अभिक्रियाएँ जो केवल अग्र दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। वह क्रियाएँ जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। श्वास लेने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। जाड़े के दिनों में हरी घास पीली क्यों पड़ जाती है? ऑक्सीकरण के कारण। वह है युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल में अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद यह पुनः प्रयोग में नहीं ला सकती? प्राथमिक सेल। शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया? लिक लांसे ने।
लिकलांसे सेल सामान्यतः किस में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टरों तथा घड़ियों में। लिकलांसे सेल में किसका पेस्ट भरा रहता है? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। लिकलांसे सेल का वैभव कितना है? लगभग 1.5। मरकरी सेल का विभव कितना है? 1.35। मरकरी सेल में कौन सा एनोड उपयुक्त होता है? जिंक मरकरी अम्लगम। मरकरी सेल में कौन सा कैथोड उपयुक्त होता है? HgO एवं कार्बन का पेस्ट। लेड संचायक बैटरी मुक्तक किसमें उपयुक्त होती है? वाहनों एवं इन्वर्टरों में। सीसा संचायक बैटरी में एनोड किसका बना होता है? लेड का। क्षारीय संचायक सेल को किस नाम से जानते हैं? इस सेल को एडिसन या नेफे सेल भी कहते हैं। क्षारीय संचारक सेल में किसका घोल भरा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय रसायन संचायक सेल में एनोड किसका बना रहता है? इस्पात का जालीदार फ्रेम। बेगैल्विनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन मैथेन तथा मैथेनॉल जैसे ईंधनों का दहन कर ऊर्जा की सीधी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के सहयोग से जल बनने की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस सेल को कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में लाया गया था, ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक। एक रासायनिक बंधन कब बनता है? एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। जब विद्युत संयोजक बंध कब बनता है? विपरीत आविष्ट आयनों के बीच आकर्षण होने पर। सहसंयोजक बंध कब बनता है? इलेक्ट्रॉनों की बराबरी की साझेदारी होने पर। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है? आध्रुवीय सहसंयोजक। मैथेन अणु में क्या होता है? एकल सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक यौगिकों के दृढ़ांग द्योडांग तथा क्वथनांग निम्न क्यों होते हैं? इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? विद्युत संयोजक बंध। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह क्यों कर सकता है? मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ये था हमारा 18वां चैप्टर। बात करेंगे विविध के बारे में, ठीक है, रसायन विज्ञान का अगला चैप्टर होगा 19वां।